श्री नरेंद्र मोदी जी को देश और सिक्किम वासियों को अपना आशीर्वचन प्रदान करने का विनम्र अनुरोध करते हैं। आदरणीय सिक्किम में आमा बाबू, दाजू भाई, अनि दीदी बहनी, यहां हरु सबेलाई मेरो को तर्फबाट न्यानो अभिवादन। सिक्किम प्राकृतिक रूपले अति सुंदर छर। तपाईहरु पनि असल र सुंदर हुनुहुन्छ। सिक्किम के राज्यपाल श्रीमान गंगा प्रसाद जी, राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान पवन चामलिंग जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान सुरेश प्रभु जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, एसएस अहलुवालिया जी, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान के एन राय जी, राज्य सरकार में मंत्री श्रीमान दोरजी शेरिंग लेप्चा जी, यहां उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, साथियों, मैं बीते तीन दिनों से हिंदुस्तान के पूर्वी इलाके में, पूर्वी भारत में दौरा कर रहा हूं और इस दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर और मानवता की सेवा से जुड़े बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देश को समर्पित करने का मुझे सौभाग्य मिला है। कल झारखंड में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएम जय की शुरुआत, आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च करने के बाद कल शाम को मैं सिक्किम आ गया था और आज सुबह सिक्किम में, सिक्किम की सुबह, उगता सूरज, ठंडी हवा, पहाड़ों की प्रकृति की खूबसूरती, तो मैं भी आज सुबह कैमरा पे हाथ लगाने लग गया था। यहां की सुंदरता, भव्यता को कौन पसंद नहीं करता होगा, हर कोई उसका मुरीद है। प्रकृति ने आपको इतना सब दिया है, उसको पाने के लिए हर कोई यहां दौड़ आता है। भाइयों बहनों, पूर्व दिशा का हमारी संस्कृति और परंपरा में क्या महत्व है, ये आप भी भली भांति जानते हैं, देश भी भली भांति जानता है। पूर्व में भी, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट का तो अलग ही महत्व है।
इस खूबसूरत पूर्वी राज्य में रहने वाले आप सभी लोगों को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं और सिक्किम का, आप सभी का पहला पाक्योंग एयरपोर्ट आपको भेंट करता हूं। आज का ये दिन सिक्किम के लिए तो ऐतिहासिक है ही, देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। पाक्योंग एयरपोर्ट के खुलते ही आपको भी गर्व होगा, क्रिकेट के मैदान में लोग सेंचुरी लगाते हैं, आज हिंदुस्तान ने सेंचुरी लगाई है, यानी कि ये एयरपोर्ट खुलने के बाद पूरे हिंदुस्तान में 100 एयरपोर्ट्स काम करने लग गए हैं। और इस अर्थ में देश ने आज सेंचुरी लगाई है। और देश कैसे बदल रहा है, ये हमारा सिक्किम फुटबॉल के लिए जाना जाता है, हर कोई फुटबॉल खेलता है, लेकिन वही सिक्किम अब क्रिकेट में भी हाथ आजमाने लगा है। और मैंने कल आज अखबार में पढ़ा कि यहां के कैप्टन नीलेश लामिछा ने सेंचुरी लगाई। अगर सिक्किम जो फुटबॉल खेलता था वहां का नीलेश सेंचुरी लगाता क्रिकेट में, पहला सिक्किमवासी सेंचुरी लगाने वाला बनता है, तो यहां का एयरपोर्ट देश की सेंचुरी का शतक यहां पूरा कर रहा है। भाइयों और बहनों, ये एयरपोर्ट आपके जीवन को और आसान करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। आज तक हम सभी को अगर देश के दूसरे हिस्से से सिक्किम आना हो और फिर यहां से दूसरे क्षेत्र में जाना हो तो कितना मुश्किल होती थी, ये यहां के लोग भी जानते हैं और यहां आने वाले लोग भी जानते हैं। पहले पश्चिम बंगाल के बागडोरा तक हवाई जहाज से उतरो, फिर वहां से करीब 125 किलोमीटर तक के ऊंचे नीचे रास्ते पर 5-6 घंटा थका देने वाला सफर, और तब जाकर के गंगटोक पहुंच पाते थे। लेकिन अब पाक्योंग एयरपोर्ट इस थका देने वाली दूरी को मिनटों में समेटने वाला। भाइयों और बहनों, इससे सफर तो आसान और कम हुआ ही है, सरकार ने यह भी कोशिश की है यहां से आना जाना सामान्य व्यक्ति की पहुंच में भी रहे, और इसलिए इस एयरपोर्ट को उड़ान योजना से जोड़ा गया है। इस योजना के तहत 1 घंटे तक के सफर के लिए 2500-2600 रुपये तक ही देने होते हैं, 2500 रुपया करीब करीब। सरकार के इसी विजन और प्रयासों की वजह से आज हवाई जहाज का सफर रेलवे के
एयर कंडीशन क्लास जितना सस्ता हो गया है। और हमारे यहां कहते हैं ना, टाइम इज मनी, सुनते आए ना टाइम इज मनी, हवाई जहाज में जाने से टाइम बचता है, मतलब मनी बचता है। यही कारण है कि देश के लाखों मध्यम वर्ग के परिवार आज हवाई यात्रा करने में सक्षम हुए हैं। साथियों, अभी तो एयरपोर्ट की शुरुआत हुई है, अभी अभी मुझे एयरपोर्ट का उद्घाटन करने का मौका मिला है, लेकिन अगले एक दो हफ्ते के भीतर ही यहां से गुवाहाटी और कलकत्ता के लिए रेगुलर फ्लाइट शुरू हो जाएगी। आने वाले दिनों में देश के दूसरे हिस्सों और पड़ोसी देशों को भी यहां से कनेक्ट करने का प्रयास किया जाएगा। साथियों, पाक्योंग एयरपोर्ट न सिर्फ सुंदरता बल्कि हमारे इंजीनियरिंग कौशल का भी प्रतीक है। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए होंगे, उन्होंने पिछले तीन दिन से इस एयरपोर्ट की तस्वीर और प्रकृति की गोद में किस प्रकार से जहाज उतर रहा है, ये तस्वीरें शायद सोशल मीडिया में इतनी वायरल हुई है, आपने देखा होगा। आज उद्घाटन तो आज हुआ है, लेकिन लोगों ने इसका जय जयकार लगातार शुरू कर दिया है। 550 करोड़ की लागत से बना ये एयरपोर्ट हमारे इंजीनियरों, कामगारों, उनकी क्षमता का एक गौरवपूर्ण पहलू है। कैसे पहाड़ों को काटा गया, उसके मलबे से खाई को भरा गया, भारी बारिश की चुनौतियों से निपटा गया, यहां से गुजरने वाली जल धाराओं को एयरपोर्ट के नीचे से गुजारा गया, सच में ये अद्भुत इंजीनियरिंग का कमाल है। आज इस अवसर पर मैं एयरपोर्ट की प्लानिंग और निर्माण से जुड़े सभी इंजीनियर्स, सभी श्रमिकों को इस अद्भुत कार्य के लिए हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी ने वाकई कमाल करके दिखाया है। भाइयों और बहनों, सिक्किम को और नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर और इमोशनल दोनों ही तरह की कनेक्टिविटी को विस्तार देने का काम तेजी से चल रहा है। बीते 4 वर्षों के दौरान अनेक बार मैं खुद नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आप सभी का आशीर्वाद लेने, यहां के विकास की जानकारी लेने के लिए रूबरू आया। इतना ही नहीं, हर हफ्ते दो हफ्ते में कोई न कोई केंद्र सरकार का मंत्री नॉर्थ ईस्ट के किसी न किसी राज्य में भ्रमण करता है, आता है, पूछताछ करता है, कामकाज का हिसाब लेता है। इसका परिणाम क्या हुआ है, ये भी आप सभी आज जमीन पर देख रहे हैं। सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, मेघालय हो, मणिपुर हो, नागालैंड हो, असम हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में बहुत से काम आजादी के बाद, बहुत से काम पहली बार हो रहे हैं। हवाई जहाज पहली बार पहुंचे हैं, रेल कनेक्टिविटी पहली बार पहुंची है, कई जगह बिजली भी पहली बार पहुंची है।
चौड़े नेशनल हाईवे बन रहे हैं, गांव की भी सड़कें बन रही हैं, नदियों पर बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, डिजिटल इंडिया का विस्तार हो रहा है। सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रही हमारी सरकार क्षेत्रीय असंतुलन उसको दूर करने और पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत को देश की ग्रोथ स्टोरी का इंजन बनाने के लिए पुरजोश मेहनत कर रही है, हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी विजन के तहत सिक्किम को अपना एयरपोर्ट देने के काम हमने तेज किया, अड़चनों को दूर किया और आज आपका सपना पूरा हुआ है। वरना आप भी भलीभांति जानते हैं, करीब करीब 6 दशक पहले एक छोटा सा जहाज यहां से उड़ा था, उसके बाद 6 दशक तक आपको एयरपोर्ट के लिए इंतजार ही इंतजार करना पड़ा। साथियों, सिक्किम ही नहीं, अरुणाचल समेत देश के अनेक राज्यों में नए एयरपोर्ट बने हैं। जैसे कि पहले ही मैंने शुरू में बताया कि आज हमारे 100 एयरपोर्ट चालू हो गए हैं और आपको जानकर के हैरानी होगी, इसमें से 35 एयरपोर्ट पिछले 4 साल में बने हैं। आजादी के बाद से 2014 तक तेज गति से काम होने का मतलब क्या होता है, चारों दिशाओं में काम होने का मतलब क्या होता है, विजन के साथ काम करने का मतलब क्या होता है, इस एक उदाहरण से आप समझ पाओगे। आजादी के बाद से 2014 तक, यानी 67 साल में 65 एयरपोर्ट थे, 67 ईयर में 65 एयरपोर्ट, यानी कि एवरेज एक साल में एक हवाई अड्डा। बात समझ आ रही है आपको? मेरी बात आपको समझ आ रही है? एक साल में एक हवाई अड्डा, ये उनकी गति थी, ये उनकी सोच थी। बीते 4 वर्षों में एक साल में 9 एयरपोर्ट उड़ान के लिए तैयार हुए, 9 गुना गति से। यानी इसी काम को पूरा करना होता तो शायद वो 40 साल और लगा लेते, जो हमने 4 साल में करके दिखाया है। भाइयों और बहनों, आज भारत डोमेस्टिक फ्लाइट्स के मामले में दुनिया का 3रा सबसे बड़ा मार्केट बन गया है, दुनिया का 3रा। भारत में हवाई सेवा देने वाली कंपनियों के पास विमान कम पड़ गए हैं, नए विमानों के लिए ऑर्डर दिए जा रहे हैं। आपको एक और आंकड़ा मैं देता हूं, वो भी आपको जरा ताज्जुब करेगा। आजादी के 70 वर्षों में देश में करीब 400 विमान सेवा दे रहे थे, 400 विमान। 70 साल में 400 विमान, अब विमान सेवा देने वाली कंपनियों ने इस एक वर्ष में 1000 नए विमानों का ऑर्डर दिया है।
70 साल में 400 और एक साल में 1000 नए, आप कल्पना कर सकते हैं। और इसी से पता चलता है जो मेरा सपना है, हवाई चप्पल पहनने वाले सामान्य व्यक्ति को हवाई यात्रा कराने का हमारा सपना कितनी तेजी से पूरा हो। भाई और बहनों, आपका अपना एयरपोर्ट के बनने से आप सभी को देश के दूसरे हिस्सों में आने जाने की सुविधा तो मिलेगी ही, आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, इनकम भी बढ़ेगी। सिक्किम तो वैसे ही देशी विदेशी टूरिस्टों का प्रिय डेस्टिनेशन रहा है। यहां जनसंख्या से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। मुझे बताया गया है कि एयरपोर्ट ना होने के बावजूद राज्य की कुल आबादी से 1.5 गुना पर्यटक यहां आते हैं। अभी एयरपोर्ट बन जाने के बाद पर्यटकों की संख्या इतनी सीमित नहीं रहने वाली है, मान के चलिए। इस दिवाली में ही दिखाई देगा, इस दुर्गा पूजा में ही दिखाई देगा कि किस प्रकार से टूरिस्टों का मेला लगने वाला है। यहां एयरपोर्ट सिक्किम के नौजवानों के लिए रोजगार का नया गेटवे साबित होने वाला है और इसकी वजह से यहां होटल, मोटेल, गेस्ट हाउस, कैंपिंग साइट, होम स्टे, टूरिस्ट गाइड, रेस्टोरेंट कितने ही। और टूरिज्म ऐसा है, गरीब से गरीब आदमी भी कमाता है, सिंह चना बेचने वाला भी कमाएगा, फूल पौधे बेचने वाला भी कमाएगा, ऑटो रिक्शा वाला भी कमाएगा, गेस्ट हाउस वाला भी कमाएगा और चाय बेचने वाला भी कमाएगा। साथियों, ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म को सरकार ने ट्रांसफॉर्मेशन का साधन बनाया है। आस्था से जुड़े स्थान हो, आध्यात्म से जुड़े स्थल हो, आदिवासी पहचान के क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यहां श्रद्धालुओं के लिए, पर्यटकों के लिए सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। इस क्षेत्र में तो सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा भी है और यहां पर नाथुला दर्रा भी है, जिसको हमारी सरकार ने ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए खोला था। यहां श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का निर्माण करने के लिए 40 करोड़ से अधिक स्वीकृति भी किए गए हैं। यहां के पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, सिक्किम को हरा भरा बनाए रखने के लिए भी राज्य सरकार के साथ मिलकर के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के तहत 350 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इसके तहत जो 9 प्रोजेक्ट मंजूर हुए हैं, उनमें से 8 गंगटोक और सिंगतम के लिए है। करीब 150 करोड़ के इन प्रोजेक्ट्स रानीचू नदी के प्रदूषित होने से बचाने वाले हैं। इसके अलावा पर्यावरण बचाने के लिए पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए करीब 125 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसमें से 50 करोड़ से अधिक रिलीज भी किए जा चुके हैं। साथियों, पर्यावरण, परिवहन और पर्यटन, इसका आपस में गहरा रिश्ता है। इसलिए सिक्किम के लिए सिर्फ एयर कनेक्टिविटी पर ही बल नहीं दिया जा रहा, दूसरे साधनों को भी मजबूत किया जा रहा है।
करीब 1500 करोड़ से अधिक के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट पर भी यहां काम चल रहा है। इसके अलावा करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से छोटी छोटी सड़कों को बनाया जा रहा है, चौड़ा किया जा रहा है। सड़क के साथ साथ सिक्किम में रेलवे को भी मजबूत किया जा रहा है। गंगटोक को ब्रॉडगेज से जोड़ने का काम तेज गति से चल रहा है। सिक्किम में बिजली की व्यवस्था को सुधारने के लिए, ट्रांसमिशन लाइन को ठीक करने के लिए 1500 करोड़ से अधिक की सहायता राज्य को दी गई है। मुझे बताया गया है कि इस वर्ष दिसंबर तक इस काम को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा बिजली पैदा करने के मामले में भी सिक्किम को देश की अग्रणी राज्यों में खड़ा करने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। करीब 14,000 करोड़ की लागत से 6 हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं पर यहां पर काम चल रहा है। भाइयों और बहनों, मैं आप सभी सिक्किम वासियों को, यहां की सरकार को और विशेषकर यहां के किसानों को बधाई देता हूं कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर देश में उदाहरण बनकर के सामने आए हैं। सिक्किम 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट बनने वाला पहला राज्य है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देशभर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। ना सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। और ये जो हवाई अड्डा है, आज तो पैसेंजर के लिए शुरू हो रहा है, लेकिन वो दिन दूर नहीं होगा जब यहां से फल फूल घंटे भर में दिल्ली के बाजार में पहुंच जाए, वो दिन दूर नहीं होगा। हिंदुस्तान के कई भगवान होंगे जिनके चरणों में अब सिक्किम के किसानों ने जो फूल तैयार किए हैं वो पहुंचने वाले हैं। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में सरकार ने मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन नाम से एक विशेष योजना भी चलाई है। इसके लिए करीब 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथियों, ऑर्गेनिक उत्पाद न सिर्फ हमारे पर्यावरण के लिए, हमारी धरती के लिए सुरक्षित है, बल्कि हमें बीमारियों से भी दूर रखते हैं। देशवासियों का स्वास्थ्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और मुझे कल मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि यहां पर पिछले 10 साल में इस ऑर्गेनिक की सफलता का एक सीधा परिणाम दिखाई दे रहा है कि यहां आयु अब बढ़ रही है। पहले की दुनिया में पिछले 10 साल में जीवन जीने के उम्र की सीमा तेज गति से बढ़ रही है, और उसमें भी पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की बढ़ रही है। मुझे विश्वास है कि देश के लोग भी ये केमिकल फर्टिलाइजर से मुक्ति पाकर के कितना जीवन अच्छा जिया जा सकता है वो जरूर सिक्किम से सीखेंगे, समझेंगे। मुझे जानकारी है कि स्वच्छता ही सेवा की मुहिम को सिक्किम वासियों ने एक प्रकार से गले लगाया है, बहुत आगे बढ़ाया है। आप सभी के प्रयास, आपकी जागरूकता की वजह से सिक्किम ने 2016 में सबसे पहले सिक्किम को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया था, ओपन डेफिकेशन फ्री।
इतना ही नहीं, प्लास्टिक के कचरे से मुक्ति के लिए भी आप लोगों ने बहुत प्रशंसनीय काम किया है। भाइयों और बहनों, जैसे मैंने पहले कहा, कल देश में आयुष्मान भारत के रूप में दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम इसका प्रारंभ हुआ है और सिक्किम भी इसके साथ जुड़ा हुआ है और उसके कारण सिक्किम के गरीब परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक की बीमारी, गंभीर बीमारी का खर्चा अब सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और यहां का नागरिक हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाए और उसको वहां अस्पताल की जरूरत पड़े तो वहां भी वो पैसा दिया जाएगा। बीमार व्यक्ति जहां भी जाएगा, ये जो आयुष्मान भारत का सुरक्षा कवच है, ये उसके साथ साथ चलेगा। साथियों, बीते 4 वर्षों के सामान्य जन के जीवन स्तर पर उठाने के लिए अनेक प्रकार योजनाएं केंद्र सरकार चला रही है, जिसका सिक्किम को भी लाभ मिल रहा है। जनधन योजना की वजह से यहां के करीब 1 लाख लोगों के बैंक खाते खुले हैं। लगभग 80,000 भाई बहनों को सिर्फ 1 रुपये महीना और 90 पैसे प्रतिदिन सुरक्षा बीमा योजनाओं से जोड़ा गया है। उज्ज्वला योजना के तहत करीब 38,000 गरीब परिवारों को किचन तक मुफ्त में गैस कनेक्शन पहुंचाया गया है। साथियों, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर के जीवन को सरल बनाने, यहां के मुश्किल परिस्थितियों को सरल बनाने के लिए, ईज ऑफ लिविंग सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। हम इस क्षेत्र को विकास के लिए नए युग के साथ जोड़ना चाहते हैं, न्यू इंडिया की नई धुरी बनाना चाहते हैं। इस एयरपोर्ट की वजह से यहां अनेक सुविधाएं यहां विकसित होगी जो सिक्किम में विकास को नई ऊंचाई देगी। आप सभी को अपने पहले एयरपोर्ट के लिए मैं फिर एक बार हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री जी ने कई विषयों का उल्लेख किया है, इन सारी विषयों की मेरी उनके साथ व्यक्तिगत चर्चा होती रहती है और इसलिए उसको सार्वजनिक रूप से अलग से मुझे उल्लेख करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है, सिक्किम को भी आगे बढ़ाना है, सिक्किम के हर समाज को, हर व्यक्ति को, हर नौजवान को उसके सपनों को पूरे करने के लिए हर कोशिश की जाएगी। इस विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद।